स्पोर्ट बस में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज चल रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें कोई मीम कंटेंट ना दे। भर भर के मीम कंटेंट है। अगर आपको भी जाना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और बहुत सारे मुद्दों पे आज बात होने वाली है। सबसे पहले, पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक टीम नहीं है, वो पूरा का पूरा मीम का मटेरियल है। अब सबसे पहली बात ये ले लीजिए कि जहां पे बाबर आजम कप्तान साहब खुद ये कहते थे कि भाई नवाज से कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट जब टीम होटल छोड़ के चली गई तब भी नवाज से किसी ने कुछ नहीं कहा और उनको पीछे छोड़ दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भाई नवाज ऑफिशियल के साथ पीछे पीछे बस के पीछे भाग रहे हैं, बस पकड़ने के लिए शायद, तो उनको वहां पे पूरा का पूरा नेगलेक्ट कर दिया। इतना तो भाई उन्हें गेम में नेगलेक्ट नहीं करते जितना उन्हें ऑफ फील्ड यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे मोहम्मद रिजवान। अब मोहम्मद रिजवान की ये टेक्निक है या फिर सचमुच ऐसा कुछ होता है कि जब भी उनकी विकेट गिरती है वो अपने पांव पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई अगर इससे ज्यादा पांव अगर वो बॉलर्स के पकड़े तो शायद उन्हें आउट ना करें वो, मगर पांव पकड़ने की बात तो है। यहाँ पे पांव तो छोड़िए, वो अपना बैट ही भूल गए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हुए अपना बैट वो भूल गए, मतलब हाथ से निकल गया। उसके बाद वो लाइंस को टच कैसे करते हैं, जैसे हम शटल रेस में नहीं करते थे ये हाथ लगा के, और ग्लव से जब टच कर रहे हैं तो भाई वहां पे बॉलर साहब भी ये सोच रहे हैं कि भैया ये कर क्या रहे हैं, ये कौन सा नई टेक्निक आ गई जो हमें न्यूजीलैंड में नहीं सिखाई जाती। उसमें भी मजेदार बात पता क्या है कि लाइन पे टच ही नहीं हुआ हाथ, उसे भी शॉर्ट रन दे दिया था। तो रिजवान भाई की भाई तारीफ करनी पड़ेगी कि भैया ऐसी ऐसी टेक्निक आप पता नहीं कहां से ला देते। वैसे देखा जाए तो पूरे पाकिस्तानी टीम में ऐसी ऐसी टेक्निक्स भरी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल हैरिस रॉफ की परफॉर्मेंस देख लीजिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली से मार खाने के बाद हैरिस रॉफ को यह हो गया था कि भाई पेस तो पेस है, मैं 145 प्लस की गेंदें तो डालूंगा ही डालूंगा। उसके बाद बैट्समैन छक्का मारे, चौका मारे, जो करे, मैंने तो अपना काम कर दिया क्योंकि मैं तो फास्ट बॉलर हूं, मैं डालूंगा भाई पेस पे पेस। अब ये पेस के चक्कर में क्या हुआ, स्टार्टिंग के जो चार मैचेस हैं वहां पे उनकी बहुत धुलाई हुई। और धुलाई करी किसने, एक टाइम पे तो फिन एलन ने धुलाई कर दी भाई। रन बनाए 137, उसमें 16 छक्के उन्होंने मारे। और हैरिस रॉफ की तो बात ही मत पूछो। इकलौता एक मैच था, पांचवा मैच, जहां पे हैरिस रॉफ नहीं खेले और वही पाकिस्तान टीम जीत गई। तो बहुत सारे मीमर्स ने ये भी बोला कि भाई जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है वो मिस कर रहे थे हैरिस रॉफ को, इसीलिए शायद जीते नहीं, और हैरिस रॉफ के चक्कर में वो मैच पाकिस्तान वहां पे जीत भी गए। अब भाई पाकिस्तान वाले ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ पहले की अगर मैच नहीं खेलते तो शायद वो भी जीत जाते। उसके बाद मैच जीतने से मुझे याद आया बाबर आजम, जहां पे बाबर आजम को किंग किंग बोला जाता है, विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, तो बाबर आजम ने भी बोला भैया किंग जैसा परफॉर्मेंस तो हम नहीं दे सकते, कौन आए उठो कसरत करो फिर वापस से सेंचुरी लगाओ, भाई हमसे ये सब नहीं होगा, हमें किंग का टाइटल दे दो। जहां पे उन्हें बहुत जोरदार बल्लेबाजी करनी थी वहां पे वो रुक रुक के करते हैं। मतलब बाबर आजम की एक टेक्निक है, T20 में वो ODI की तरह खेलेंगे, ODI में टेस्ट की तरह खेलेंगे और टेस्ट में वो खेलते ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है बाबर आजम ने बुरा परफॉर्म करा, भाई बाबर आजम को पूरी तरह से हम गलिया भी नहीं सकते क्योंकि जहाँ पे टीम के विकेट जा रहे थे वहां पे उन्होंने संभल के खेला। तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, मतलब 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। 3 मैच में तो चले, 2 मैच में नहीं चल पाए, तो इसलिए पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो डाल दिया बाबर आजम पे कि भाई बाबर आजम की वजह से हारे। पर मजेदार बात यहाँ पे क्या आती है भाई, 3 नंबर की। अब आप बोले होंगे ये 3 नंबर क्या है, भाई 3 नंबर सबसे फेवरेट नंबर है शोएब मलिक का। अब आप पूछेंगे भैया ऐसा क्यों, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का तलाक हो गया और यही चलते हुए शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी भी कर दी। जी हाँ, तीसरी शादी यहाँ पे करी। अब एक तो 3 यहाँ पे आ गया और दूसरी बात यह है कि BPL में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उन्होंने एक ओवर में 3-3 नो बॉल डाली। मतलब 3 नो बॉल डालने के बाद भाई आमिर भाई भी सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी नो बॉल कैसे डाली जाए कि भाई पकड़ा भी ना जाए इंसान फिक्सिंग। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई शोएब मलिक ने अपना मैच फिक्स करा, भाई मैच तो फिक्स करेगा ही, यहाँ पे 3-3 शादियों का खर्चा निकालना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए, मगर BPL ही क्यों? मतलब IPL वगैरह में वो खेलते नहीं है, अपने पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलते हो, शायद वहां पे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, मगर BPL में क्या मिलता है, एक फ्रूटी, 2 बाबा इलायची, ऐसा कुछ मिल जाता है। वहां पे तो इतना पैसा है भी नहीं, तो वहां पे नो बॉल डालने का मतलब बनता नहीं था। अब इसके बाद एक्यूजेशन तो बहुत लगाई, अभी तक प्रूफ नहीं हुई है कि मैच फिक्सिंग की वजह से था या फिर सचमुच गलती हो गई यहाँ पे शोएब मलिक साहब से, क्योंकि इतनी बार तो उन्होंने मैच नहीं जिताया जितनी उन्होंने एक ओवर में नो बॉल डाल दी थी, वो भी 3 बॉलों पे भाई खाने के बाद 18 रन तो उस ओवर में खा चुके थे। अब यहीं तक बात नहीं रुकती, 4 मैच हारने के बाद एक मैच फाइनली जीतते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भैया हम तो जीते हुए हैं इसलिए अच्छी बात। बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भाई जो हमारे मोहम्मद रिजवान है, वैसे पहले से ही बात करी जाए जितने भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, इंग्लिश में तो हमेशा किसी ना किसी को दिक्कत रही है। अगर हम एक्सेप्शंस हटा दें जैसे वकार यूनिस साहब हो गए, इमरान खान हो गए, हमारे वसीम अकरम हो गए, इन सबको हटा दो, शोएब अख्तर भी हटा दो, इनको आती है अंग्रेजी, भाई हमारे राजा साहब हो गए उनको भी अंग्रेजी आती है, मगर बहुत सारे ऐसे जिनको अंग्रेजी नहीं आती, उसमें एक आते हैं मोहम्मद रिजवान।
मोहम्मद रिजवान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता क्या कहते हैं कि भैया मुझे हार से बहुत नफरत है, मैं किसी भी चीज में हारना नहीं चाहता, मगर जैसा हम खेल रहे हैं, जैसा का सब कुछ चल रहा है वो परफेक्ट चल रहा है। कहना क्या चाहते हो, मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि मुझे हारना पसंद नहीं, और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि भाई हम जो ये सीरीज हार रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हार रहे हैं। मतलब घर से ही प्लान करके आए थे कि भैया हम तो हारेंगे ही, तो हार जाते हैं, बस न्यूजीलैंड का दौरा करके आ जाएंगे, न्यूजीलैंड घूमने को मिल जाएगा इस हिसाब से। अब पाकिस्तान टीम के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, आधी बात मैंने बोल दी है, आधे आप तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, कमेंट सेक्शन आप बहुत अच्छी अच्छी तरीके से भर देते हैं। सोशल मीडिया पे हम मीम्स को इतना फॉलो नहीं करते जितना कमेंट सेक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां पे तगड़े तगड़े जोक मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप भर भर के जोक लिखो, और देखते हैं कि भाई किसका जोक सबसे ज्यादा मजेदार होता है। पाकिस्तान टीम को थोड़ा ट्रॉल करते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो खुद को ट्रॉल करती है, हमें भी थोड़ा थोड़ा मौका मिलना चाहिए यहाँ पे। तो आप लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अलग अलग बातें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी मजेदार चीजें अगर सुननी है, कुछ ना कुछ होना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बस इतनी थी आजकल पाकिस्तान टीम के बारे में बात, मिलते हैं अगली वीडियो।